अभी तक हम इस सरगम में अलंकार का पहला अध्याय कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे गामों पद निशा सीखा था और उसको डबल करके सा सा रे रे जा रहा मामा पा पा डा रे नि सा था। फिर थर्ड अलंकार सीखा था सा 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 रे 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 जा रहा। अब इसके बाद ये एक पार्ट था अलंकार का, जिसमें आपको स्वर को कैसे पढ़ते हैं और दो स्वरों के बीच में कितना डिफरेंस रहता है वो आपको बताया गया। तो वैसा अभ्यास करके हमारे गले को ऐसी आदत पड़ जाती है कि किस स्वर किन स्वरों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब इसका दूसरा पार्ट हम सीखते हैं, जिसमें हम स्वर को एक सीढ़ी चढ़ के फिर वापस उतरना है या फिर दो सीढ़ी चढ़ के फिर वापस उतरना है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए ये पार्ट है अलंकार का, जिसमें हम चौथा अलंकार देखते हैं। तो देखो क्या है चौथे अलंकार में, क्या है सारे, फिर रेगा सा से रे पे गए, फिर रे से गा पे गए, फिर गा से मा पे गए, मींस सा से रे आपने पकड़ा, फिर रे से गा, एक एक सीढ़ी चढ़ना सिखाया। इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अभी हमने सा से रे, रे से गा, गा से मा, किस तरीके से चढ़ना है फिर वापस जाना ही सीखा। अब फिफ्थ अलंकार देखेंगे तो उसमें आपको एक स्वर और ऊपर चलना है, मतलब सा रे सा, सा रे पे जाएंगे फिर वापस से सा पे आएंगे, रे से ग पे जाएंगे फिर वापस से सा पे आएंगे। देखें देखो करेंगे उतना अच्छा रहेगा गले के लिए। और अलंकार था छठवा जो हमने किया नहीं, उसमें जस्ट केवल रिपीट करना था सा सा रे रे सा सा से, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे देखें I
आपका बीच का अलंकार है, ऐसे ही आपका इससे नेक्स्ट जो अलंकार है सातवां, उसमें सा से रे फिर गा फिर रे से गा फिर मा, उस तरीके से चेंजिंग है। जल्दी देखें, चार सुरों में चल रहे हैं आठवें अलंकार, सा रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा सा मा, अच्छे तरह। तो उसमें चार सुरों का आपको वेरिएशन मिलेगा। देखें, अभ्यास करने के लिए है, और जितना करेंगे उतने ज्यादा आपके गले में स्वर ठहरेंगे या हाथों में आपका अलंकार आएगा। कुल मिला के हमको स्वर को देख के या सोच के उसके हिसाब से स्वर गाना हमें चाहिए, इसके लिए ये कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अलंकार देखेंगे।